18 मई 2020 मौसम अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के ताजा अपडेट की। मौसम विभाग ने 18 मई 2020 को देश के इन क्षेत्रों में भीषण आंधी तूफान और बारिश की आशंकाएं व्यक्त की है। साथ ही चक्रवाती तूफान अम्फन को लेकर भी ताजा अपडेट आया है। तो क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान अम्फान छत्तीसगढ़ में भी आने की आशंकाएं जताई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस तूफान के कारण छत्तीसगढ़ ओडिशा पश्चिम बंगाल मेघालय समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट है। इस तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में आज सुबह 5:30 पर कम दबाव का क्षेत्र देखा गया और यह अगले 24 घंटों में तूफान का रूप ले सकता है। चक्री और सक्रिय चक्रवात अभी तक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में टकराने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अम्फान तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका हल्का असर 16 मई की राहत को देखने को मिला था। 17 मई और 18 मई को भी छत्तीसगढ़ में इसका आंशिक असर होने की आशंकाएं पहले से जाहिर कर दी गई थी। मौसम विभाग के अनुसार संभावित कम दबाव का क्षेत्र उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में घूमते हुए अपने रास्ते पर लौटेंगे और बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ेगा। कम दबाव वाले क्षेत्र की गति अभी पता नहीं चल पाई है और संभावित तूफान तट पर कहाँ टकराएगा इसकी जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी जाएगी। तूफान उत्तर ओडिशा दक्षिण बंगाल या बांग्लादेश से भी टकरा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की है कि किस क्षेत्र पर यह टकराएगा। फिलहाल बस यही बताया है कि इन दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कम दबाव का क्षेत्र और आगे बढ़ेगा और बाद में तूफान का रूप ले सकेगा। 12 तटीय जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही कलेक्टरों से लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय ग्रहों की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। बीते वर्षों रिकॉर्ड तोड़ 7 तूफान स्ट्रोम्स ने देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमकर तबाही मचाई थी। अब नए तूफान अम्फान के लिए तैयार रहना होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान के अनुसार 17 और 18 मई को तूफान अपना असर दिखाने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर परिवर्तन होना है और औसत से अधिक बार तूफान आना जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करता है। पिछले एक साल में 7 तूफान और दर्जनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए हैं जिसका असर छत्तीसगढ़ के साथ पूरे भारत में देखने को मिला है। तो ऐसा लेटेस्ट अपडेट वीडियो को शेयर करें इस तरीके ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ा सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।